जब मैं स्कूल में पढ़ाई करता था ना, तो गांव के लोग मुझे पंडित जी बोलते थे, और अड़ोस पड़ोस के लोग तो इतना सम्मान रखते थे, अजैन बंधु बोले भैया साधु हैं, महात्मा हैं, पंडित जी ऐसा बोलते, ठीक ना। तो मैं क्या सोचूं, सही में मैं पंडित हूँ? अब हुआ ये, वो पूजा करके आए तो लोग दुखी दर्दी आ जाएं, बोले भैया जी, बाबा जी ऐसा बोलने लगे, बोले बाबा जी, महाराज जी, बोले बहुत कष्ट है, पीड़ा है। तो मैं क्या सोचता था कि सबको जैन बना दो। हो सो लोग जिंदे पे विश्वास करें। एक आदमी को लग गया भूत, एक बच्चा को, अब भी आ गए। मैं पूजा करके बाहर आया, बोले भैया और मेरे लड़का को भयंतर लग गए, बोले ठीक है रख दो, यहाँ बिठा दो। वो मंदिर से करके मैं भगवान की पूजा से करके आया, भी लोंगे होती ना स्थापना वाली, मैंने कहा ये ले जाओ तुम, उसको बांध दो। अब भैया तो ठीक हो गया, वो ठीक हुआ, अब तो पूरे हाँ, अब वो चर्चा का विषय बन गया। अब तो गांव गांव के से लोगों की आना शुरू हो गया, मन के तो लफड़ा हो गया। तो ऐसे ऐसे रोगी शोकी पीड़ा ये लोग आने लग गए। सो अब हमने अपने दिमाग दौड़ाया, बोले हर व्यक्ति को लोंगे नहीं देना उनको। तो किसी को मैंने इलायची पकड़ा दी, बोले एक साथ एक तो लोग सोचते ये लोंगे देते। तो मंदिर की पूजा करके आए, वो इलायची रहते हैं द्रव में, वो इलायची पकड़ा दिए। वो श्रद्धा से आए, अब आदमी में गर्मी चढ़ी, इलायची खाकर वैसे ठंडा हो जाएगा, ठीक है। अब सुन, मैं सोचता मैं पंडित बन गया हूँ, लोग सबके रोग शोक ठीक करने लग गया मैं तो। पर एक दिन मालूम विकास हमने क्या किया, देखा कमरे में कोई अकेला रहता था, ग्रंथ इतनी सारी लोंगे उठा लिया मैं नीचे से अपने कमरे में ले गया, और दोपहर ही भर मैंने दे आहुति पूरे कमरा को धुएं से भर दिया। किसके? लोंगों के धुआं भर दिया हमने। अब हमें सिद्धि हो गई, सुनना। तो ऐसा काम करने वाला व्यक्ति, मैं क्या सोच रहा हूँ, अब तो मुझे सिद्धि हो गई, बोले इतना सारे मंत्र हमने पढ़ लिए इसमें। लेकिन जैसे मैं आचे विराग सागर पास गया, उनको देखा, उनके सब प्रवचन सुने और ग्रंथ लिखे देखे, जैसे नाग कुमार देवों को अरहंत की प्रतिमा देखते ही नाग कुमार देवों के सारे सिद्धियाँ भाग जाती हैं, ये नियम है। नाग कुमार देवों की जो विद्या है, अरहंत देव की प्रतिमा के सामने काम नहीं करती, ये नियम है। और मालूम कई जगह अजैन स्थानों पर बड़ी श्रद्धा से लोग मंत्र तंत्र दिख लिए जैन प्रतिमाएं विराजमान किए हैं। ये अंदर को गूढ़ बात आपको बता रहा हूँ, कई जगह हिंदू मंदिरों में जैन प्रतिमाएं विराजमान की गई हैं, वो कुछ जो प्राचीन थी वो रख ली गई हैं। तो ये क्यों? क्योंकि कुछ सिद्धियाँ ऐसी हैं जो अरहंत की प्रतिमा के सामने काम ही नहीं करती, और कुछ ऐसी सिद्धियाँ हैं जो अरहंत प्रतिमा के सामने ही होती। अच्छा रावण कहाँ सिद्धि कर रहा था? शांति नाले में कर रहा था कि नहीं? महाबल ये अपने भगवान है महावीर स्वामी, फापाड़ी सनमति ने जहाँ आप बैठे हुए हो, इस मंदिर में सुबह से शाम तक अनेक अजैन बंधु आते हैं, आपको पता नहीं चलेगा। जहाँ आप बैठे ना वहाँ बैठते वो लोग, और बस एक ज्योतिषी जी आया करते थे, सीधे भगवान को देख अपने चले गए, और यहाँ से जा करके उनके घर में जो दुखी सुखी आते थे, बस भगवान महावीर का नाम लिया, उनका काम कर रहे थे। नाम धेय, पुद्गल का पुद्गल पर प्रभाव, पुद्गल का जीव पर प्रभाव। और यदि ऐसा नहीं मानोगे तो तत्वासुद का पांचवें अध्याय का काम विफल हो जाएगा। पंचासी का प्रवचन सार, और तो छोड़िए मित्र, षटखंडागम ही झूठा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? यदि आपने निमित्तों को सर्वथा अकिंचित मान लिया तो, और षटखंडागम झूठा नहीं होगा। आप यहां मुझे खड़े दिख रहे हैं ना, खड़े दिख रहे हैं ना भैया, कौन खड़ा है यहां पर?
कौन खड़ा है यहां पर? सुनो मित्र, इनसे मैंने प्रश्न किया कौन खड़ा है यहां पर, अब कुछ नहीं कह पा रहे। कौन खड़ा ज्ञानी? जीव द्रव खड़े हो, बहुत बढ़िया। जीव द्रव, आप अपने आप को जीव द्रव मान रहे हो ना, ये वास्तव में तुम पूरे जीव ही द्रव हो क्या? अजीब ही हो, जीव अजीवम दब्बम। आप अभी जीव अजीव मिश्रित हो, बराबर। अब यदि आप कहो कि ये निमित्त निमित्त कोई संबंध नहीं होता, ऐसे बोलने वाले से पूछना, मित्र तुम कौन बोल रहे हो, ये बोल कौन रहा है, करण योग क्या कह रहा है, कर्म प्रकृतियां क्या कह रही हैं, 84 लाख योनियां किसकी हैं, ये जीव स्थान गुणस्थान मारना प्राप्ति ये सारे स्थान किसके हैं, तब मालूम चल जाएगा। मित्र अभी श्रुत अभ्यास की आवश्यकता है, श्रुत अभ्यास की आवश्यकता है, मालूम विकास। जैसी आचार्य महाराज के पास में गया, उनको पढ़ते बड़े बड़े मोटे ग्रंथ देखे, मेरी पंडिताई तो ऐसे बग गई जैसे नांग कुमार देवों के की विद्याएं अपने आप अरंत प्रतिमा को देख के भाग जाती। इतना ही नहीं सुब्रत सागर जी, मित्र कुछ ऐसे काम है, मोदी जी बड़े संभल के सुनना, कुछ ऐसे काम है आपको अपनी होनहार का पता नहीं है, होनहार का पता नहीं है प्रदीप। लेकिन मित्र सुनिए, कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई यंत्र नहीं। अरे मेरा शरीर स्वयं यंत्र है, मेरा स्वयं का शरीर यंत्र है। बोले कैसे? सुग्रीव की नारी सुतारा, उसके लिए एक विद्याधर सुग्रीव में बनावटी सुग्रीव बन गया, मालूम कौन? सहस्र गति नाम का विद्याधर, उसने सुग्रीव का रूप बना लिया भैया। अब सुग्रीव का रूप बना करके अब बड़ा संकट की घड़ी आ गई, अब ये वास्तविक है ये वास्तविक है, तो उन्होंने उनके भाइयों ने और कुटुंब ने वंश के लोगों ने पुत्रों ने एक व्यवस्था कर दी, जब तक सही सुग्रीव का पता नहीं चलेगा, पुत्रों ने व्यवस्था कर दी, मेरी माँ के कक्ष में एक भी पिता नहीं जाएगा, सबको बराबर सेना भी दे दी, ठीक है। जब अशोक भी अपना उसी समय श्री राम जैसे सामने आए, श्री राम जैसे सामने आए, कोई तंत्र नहीं, मंत्र नहीं, जादू नहीं, टोना नहीं, विशिष्ट पुण्यात्मा के सामने आने मास से बहुत सारे जादू टोन अपने आप समाप्त हो जाते हैं। वो सुग्रीव की विद्याएं भग गई, सामान्य आदमी दिखने लग गया, भाग गया। इसी प्रकार से आप विश्वास मानो, माताओं घर में संकट आए विपत्तियां आए तो जरूरी थोड़ी है हम तंत्र में जादूगर को बुलाएं, कुछ नहीं, आप तो एक मुनिराज का पड़गान करके आहार करा दो। आप विश्वास मानो, देख लेना तुम्हारे घर का वातावरण परिवर्तित मिलेगा, और जितना विशिष्ट साधु होगा, जितना ज्ञान विज्ञान चार संबंध संपन्न होगा, ये तो मैंने साधु की बात की है, तुम्हारे घर में क्लेश चल रहा है, तुम्हारे मान सम्मान नहीं, कोई विशिष्ट पुण्यात्मा तुमसे ज्यादा धनी आदमी हो, तुमसे ज्यादा बलवान आदमी हो, जिसकी ख्याति हो, ऐसे आदमी को बुला लो, आप घर का वातावरण परिवर्तित हो जाएगा, वो साधु भी नहीं तब भी हो जाएगा। क्यों? यंत्रों में मंत्रों में आजकल पुद्गल ही है ना शक्तियांश, ऐसे जिसका पुण्य प्रचंड है, ऐसे घर के रिश्तेदार कोई बुलाओगे ना, वातावरण परिवर्तित होगा आपका। ये मेहमान और मेहमानी करने के जो संबंध थे अपने देश में, ये जब से कम हो गए ना, क्लेश बढ़ गया, आत्महत्या बढ़ गई, घर में मेहमानों को बुलाते रहना चाहिए, मेहमानी करते जाते रहना चाहिए,
यदि प्रदीप अपनी पत्नी के दुलारे बन के रहना चाहते हो तो एक साल लगातार घर में मत रहना, दुलार कमजोर हो जाएगा। हर 10-15 दिन घूमने चले जाओ, जब लौट के आओगे ना तो आप देख लेना सम्मान अलग से मिलता है। काल द्रव्य घनी समय हो गया, काल द्रव्य भैया बराबर है, कुछ रहस्य हैं, रहस्य हैं, इसलिए मैंने पहले कह दिया मेरे बाह्य जीवन को मत देखो और किसी के भी बाह्य जीवन को मत देखो, अंतरंग में क्या चल रहा है इसे खोज करो। सबके साथ रहने के बाद भी, सबका साथ देने के बाद भी, न किसी के साथ रहना न किसी का साथ देना, ये पूर्ण सत्य है। सब खुश रहो, देखते रहो, खुश रहो चेतन, खुश रहो बेटा। लेकिन सत्य यही है, मैं इस देह को भी छोड़ के भाग जाऊंगा, दुनिया का क्या मैं साथ दूंगा। मैं भाषा बदल दी भैया, अज्ञानी बोलते हैं, अज्ञानी बोलते हैं शरीर साथ नहीं देगा, शरीर साथ नहीं देगा। तुम बड़े साथ देने वाले आदमी हो, बहुत साथ देने वाले हो, बड़ी होशियारी दिखा रहे हैं सुब्रत सागर जी, ये शरीर साथ नहीं देगा, शरीर साथ नहीं देगा। भैया भैया घर वालों से पूछना तुम भगोगे कि शरीर भगेगा। क्यों प्रकाश मोदी जी पिताजी कहाँ हैं भी, आपको शरीर सौंप के गए थे, लेके गए थे शरीर, लेके गए थे पिताजी, आपके वयोवृद्ध पिताश्री आपको शरीर छोड़ के गए कि लेके गए साथ में, छोड़ गए थे ना। अब मित्र आश्चर्य मत कहना ये साथ नहीं देगा, ये साथ नहीं देगा, पूरी भाषा बदलो अपनी, ये साथ नहीं देगा, साथ नहीं देगा, ऐसा अज्ञानी बोलते हैं। अरे वो तो यहीं छूट गया, वो तो वहां, वो कहीं गया ही नहीं है, गई तो आत्मा भग गई उसके अंदर से, किसने साथ नहीं दिया, इस आत्मा ने साथ नहीं दिया, इस शरीर तो यहीं छूट गया। इसलिए ज्ञानी विश्वास रखो मैं इस शरीर का साथ देने वाला नहीं हूं, तुम्हारा क्या साथ दूंगा, इसलिए मेरे भरोसे को जीना मत, मेरे भरोसे कोई जीना मत। ये शरीर का साथ मैं नहीं दूंगा, जब तक आयु कर्म अवशेष है मैं अपनी साधना में तल्लीन हूं, मैं अपना काम कर रहा हूं इसके नियोग से। इसलिए हमारे उमास्वामी महाराज ने ये लिखा है, शरीर मांग मरा प्राणापान पुद्गलानम, शरीर वचन मन ये जीव का उपकार करते हैं, मृत्यु भी, ओ मृत्यु भी, मृत्यु जो है ना वो जीव का उपकार करती है। अरे सड़े गड़े शरीर में लोग, आप सोचो अभी तो आपको मालूम नहीं है, जो आदमी रोग हो जाए, त्रसित हो जाए तो तड़पता है, भगवान उठा लो ऐसे बोलता है। तुमको नवीन शरीर देती है मृत्यु, कितना उपकार है। जीवित मरणोपग्रहस्य, जीवित मरणोप, जीवित मरणोप यानी सुख दुख, जीवित मरणोपग्रहस्य सुख दुख, जीवित मरणोपग्रहस्य। इसलिए तो मैं बार बार कहता हूं तत्वा सुधरटो, तत्वा सुधरटो, पल पल में बिनी तत्वा सु समझो हार्दिक बाबू, ये घूमने से उपद्रव मचाने से कुछ नहीं होगा, तत्वा सु रटो और अनुभव में लाओ। शरीर दुख सुख जीवन मरण ये सब पुद्गल का उपकार है, जीव के लिए अच्छे अच्छे स्थानों भेज देता है। कब तक इसमें पड़े रहोगे, तुमको नवीन शरीर दिलाता है कौन, मृत्यु। इसलिए मृत्यु का उपकार मानो, आज से नियम ले लो, यदि सच्चे श्रावक हो, सच्चे मुनिराज हो, भावलिंगी श्रावक, भावलिंगी मुनि यदि हो तो नियम ले लो आज से, मैं कभी मृत्यु को गाली नहीं दूंगा। क्यों नहीं होगा, इन्हें यही पता नहीं है श्रावक भावलिंगी होता कि नहीं होता, सम्यक दृष्टि होगा तो भावलिंगी, नहीं तो द्रवलिंगी। आइए
तो कितने लोगों ने नियम ले लिया, कभी मृत्यु को गाली नहीं दूंगा, मृत्यु के बारे में अशुभ नहीं सोचूंगा। यदि तुमने मृत्यु के बारे में अशुभ सोचा तो आपके द्वारा अजीब द्रव्य की अत्यासाधना। अब बोलो कहाँ जाओगे? मृत्यु के बारे में अशुभ सोचा बज्जू कुमार भैया, आपके द्वारा पुद्गल अस्थिकाय की अत्यासाधना हो जाएगी। उल्टा लग रहा ना आपको मेरी बात? उल्टी लग रही ना? इसलिए लगे क्योंकि तुम लोग उल्टे बैठे हो। अरे ज्ञानी उल्टी बातें नहीं करो, सीधी बातें। मृत्यु जो है ना द्रव प्राणों का वियोग है, वो जो द्रव प्राण पौद्गलिक है उन पुद्गल परमाणुओं के लिए आप अशुभ मत सोचो। बे ही परमाणु कभी पुनः तुझे मिलेंगे। एक भी परमाणु के प्रति अशुभ नहीं सोचना बज्जू कुमार, कम से कम आप भी राम बन जाओ आज के, खड़े होकर नियम ले लो। इन्हें ब्रह्मचारियों शर्म तो लगेगी। क्या नियम ले लिया? मृत्यु के बारे में कभी उल्टा नहीं सोचूंगा कि हे परमेश्वरी तू मत आ, मुझे मत मार, ये कभी नहीं सोचना। वो तो अपने समय पे आएगी, नियम से आएगी, तो क्यों मैं ऐसा सोचूं? इसलिए समाधि मरण हो जाए ये भी नहीं सोचना। समाधि में लीन रहना, मरण हो जाएगा मेरा तो निर्णय है, मैं 24 घंटे समाधि में रहने के लिए तैयार हूं और रहता हूं। अब मृत्यु की डर नहीं है मुझे, क्यों? समता भाव ही तो समाधि है कि हाय हाय करके, हाय मेरी समाधि हो जाए, हाय मेरी समाधि हो जाए, ये तो तुम समाधि बिगाड़ रहे हो अपनी। इसलिए आज से नियम है क्या, अभी से समाधि चालू है बराबर। समता सुर भूतेशु संयमाशु भावना आरुद पदी तज्ज तदिशामय कम्मतम। समता सुर भूतेशु, सारे भूतनी प्राणियों पर साम्य भाव रखना, इसका नाम समाधि, यही सामायिक है। विराजो नियम पक्का हो गया ना? ठीक है, देवी से पूछ लेना, बुरा तो नहीं लगा। ठीक है, जो बज्जू कुमार ने नियम लिया है वो आप लोग तो ले ही नहीं सकते ना। विकास भैया नियम हो गया ना? बराबर, मेरा भी नियम है पहले से। बहुत अच्छा, विराजो सबके नियम के पालन अच्छे से हों। कल फिर आओगे? पर तो पुनः 21वीं इस द्वासूत को पुनः चर्चा करेंगे। काल त्रप आत्म स्वभाव प्रभाव भिन्नम, आत्मा स्वभाव प्रभाव आत्म का स्वभाव प्रभाव तीन भिन्न महावीर स्वामी की।